उत्तर प्रदेश के बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला को उसी के ससुराल में जमकर पीटने का लाइव वीडियो हुआ वायरल। महिला हेल्पलाइन डेस्क पूरी तरह फेल, पुलिस पर उठ रहे सवाल। पुलिस ने कहा, कोर्ट से मांगो मदद। अपने ससुराल के घर में घुसने का प्रयास कर रही महिला को उसी के ससुराल वालों ने जमकर पीटा। घर का ताला बंद कर हुए थे फरार। 3 दिन से पीड़ित बारिश में भीग भीग कर दिन रात कर रही थी इंतजार। ताला तोड़ने का किया प्रयास तो घर की महिलाओं ने भी जमकर पीटा। अपने ही ससुराल में अपने सास ससुर से पीटती हुई विवाहित महिला की लाइव तस्वीर है। देखिए कैसे लोग बाल पकड़कर घसीटकर पीट रहे हैं और घर की महिला भी पीट रही है। दरअसल पीड़ित की माने तो वह अपने ही ससुराल में घर के अंदर जाने के लिए बंद दरवाजे के सामने 3 दिनों से बारिश में भीगती रही। ताला बंद कर ससुराल वाले फरार हो गए थे और अपनी बहू को घर में घुसने नहीं देना चाहते थे। पीड़िता ने थाने में भी गुहार लगाई मगर पुलिस ने कोई मदद नहीं की। जब वह 3 दिन धूप और बारिश में भीगने के बाद ताला तोड़ने का प्रयास किया तो उसे जमकर पीटा गया और फिर वह पुलिस पहुंची। सुधांशु, क्या मामला हुआ है अभी यहाँ पे? अभी भाभी ताला तोड़ने जा रही थी तो ताला तोड़ रही थी, हम छुड़ाने गए तो एक तेज बहादुर है, एक वीर बहादुर है, छोटक राय तो भाग गए हैं। जब वो देसी कट्टा निकाल रहे थे वो देसी कट्टा लेके भी आए थे और वो भाग गए तो हम छुड़ाने गए तो हमको लाउड लाउड जो बड़का बाजी है हमारे वीर बहादुर है वो सब हमको मारने लगे। वहाँ पे 2-3 हमारी चाची हैं, मम्मी हैं, बड़ी मम्मी वो भी हमारे को मारने लगे। हम कहते हैं चाची तुम्हारे से दुश्मनी नहीं, हम तो सिर्फ छुड़ाने आए हैं ना। तो बड़का जी हैं वो 2-3 लोग हमारी मम्मी को भी मार दिए हैं, पापा को भी मार दिए हैं। हमारे पापा किसी से बोलते नहीं हैं, गांव में भी आप पूछ सकते हैं। आइए मार मूर के फिर हम बोल रहे कि सहन दो दीजिए, फिर उनको फिर दोबारा हमको वहाँ से घसीट के लाए हैं हमारे हैं। विवाद क्यों हुआ उत्पन्न? वो भाभी 3 दिन से बाहर बैठती हैं, उनका जो ससुर है वो 3 दिन से फरार हैं। वो अपने हक के लिए, उनकी छोटी सी लड़की है 9 साल की, उनके लिए मांग रही है। ठीक है, वो कह रही कि थोड़ा बहुत दे दो, हमारी लड़की का भविष्य बन जाएगा। तो वो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, वो 3 दिन से फरार है या 3 दिन से वहाँ पे, देखिए वहाँ पे 3 दिन से बेग है, सोती है बारिश में 3 दिन से, यही सब है। तो आज वो गई थी बलिया बुलिया तो वो ताला तोड़ने आई थी, किसी ने बोला होगा ताला तोड़ने के लिए साहब से हमने, तो वो ताला तोड़ी थी तो यह यहाँ से उठ के गए, लौरिया लिया है, 2-3 लौर वहाँ पे मार दिए, फिर वहाँ उसका झोटा पकड़ के वहाँ पे खींच के लाए, फिर हम छुड़ाने गए तो हमको भी उसी में पकड़ लिए। वो तेज बहादुर चश्मा लगा के बैठे हैं, वो हमारे बड़े पापा हैं, हम उनको कुछ कहते नहीं हैं, वो भी हमको मारने लगे। अभी यहाँ पे कितने कौन कौन से थाने की फोर्स आई थी? यहाँ पे गढ़वार की भी आ गई, रसड़ की भी आ गई, तीन चार बार तो 112 आ गई है साहब। अब कुछ हो ही नहीं रहा, वो कह रहा हमारा काम नहीं है ताला खुलवाना, हमारा काम नहीं है, बताओ। अब इनका काम है तो इनका काम है। दरोगा साहब को कहते हैं तो दरोगा साहब है हमारा बस का नहीं है, कोर्ट में जाइए, यहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, पता नहीं क्या कर सकते। क्या जो तमंचा लहरा रहा था व्यक्ति, उसका क्या नाम है और क्या अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार की है? अभी कुछ नहीं साहब, वो बाहर गया, देसी कट्टा लेके आया था। अभी फरार चल रहा है वो अभी भाग गया साहब, देसी कट्टा लाल बाबू की तरफ चला गया वो। क्या है आपका? चांदनी रहा। चांदी जी कहाँ के रहने वाली है? बलिया के, हाथों एक गांव है मेरा। यह अभी कहाँ पे है? यह सामने वाली ये ससुराल है। हाँ, ताला लगा दिया अमदरिया में जी। क्या मामला हुआ था अभी सर? 3 दिनों तक हमने कानून का वेट भी किया और सबके पास 112 DMSP सबको हमने कंप्लेन किया। तो कल सर हमको भेजे थे यहाँ गढ़वार थाने पे, आज गए थे तो बड़े साहब नहीं थे, एक दरोगा साहब थे, उन्होंने कहा कि जाइए रहने के लिए, उन्होंने कहा था कि आप जाइए देख लीजिए। हमने वहाँ कहा था कि अब जब हम बाहर कितने दिन वेट करेंगे बैठ के, क्योंकि ये लोग ताला मार दिए हैं, हमारे ससुर जी भाग गए हैं, वह यहाँ ये नहीं है, पति हमारा दिल्ली है और जो यू उनके साथ में है हमारे माँ बाप, वो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ताला मरवा के कर रहे नहीं। तो हम आए जब ताला खोलने लगे तो हमारे जो बड़े वाले ससुर हैं वो हमारा बाल पकड़ के घसीटने लगे। उसके बाद हाँ, हमारे माँ बाप और जो हमारी ससुर के साथ रह रही थी उनकी नाजायज बीबी वो भी आके हमको मारने लगी। और उसमें हमारा मतलब पति और देवर है छोटे वाला, वो जब आए हमारे ऊपर मतलब हाथ उठाए छुड़ाने उसको मारने लगे ये लोग सब मिल के। रात में ऐसे हम गए थे बाथरूम तो हमारी बिटिया के ऊपर हाथ उठाए थी जी। अभी कौन है बड़े ससुर आपके, क्या नाम है उनका? वीर बहादुर है। आखिर वो क्यों उठा आपको मारने के लिए? उनके सपोर्ट में है ना। किन के सपोर्ट में? हमारे ससुर जी के, हमारी नई वाली सासू माँ के। आप कितने दिन से अपने दरवाजे पे बैठी हुई हैं? आज 3 दिन हो गया।
क्या प्रशासन आपकी मदद की अभी तक कोई? नहीं सर, अभी करने बस यही कि न्यायालय कोर्ट में जाए, न्यायालय कोर्ट में बताइए नहीं 10 साल की 9 साल की हमारी बेटी, हम कहाँ जाएं लेके उसको। कितने लोग थे मारने वाले? 4-5 लोग। कौन कौन से लोग? वीर बहादुर, तेज बहादुर और वो हमारी पति और सास हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं जी। और मेरे माँ बाप और मेरी वो बहन, सभी लोग थे। हाँ, अभी क्या इसे गालियाँ भी दे रहे थे और मारे भी, ये पूरा मेरा गर्दन वर्दन सूज गया है जी। अभी कहाँ के कितने लोग पुलिस आई है, कहाँ कहाँ की फोर्स आई थी? ये तो हाँ 112 नंबर के हैं। हाँ, 112 में क्या क्या कोई थाना से भी लोग आए थे? नहीं, अभी थाना से नहीं आए हैं, वही कॉल करके सर बुलाए 112 पे कॉल से। आप कौन है? हम तो दर्द याद हैं, हम तो इसका हमारे पिते और सास हैं।